हमारे लिए राष्ट्र सुरक्षा प्राथमिकता है और इसको लेकर हमने पहले भी कहा है, घुसपैठियों की पनाह और उनको जगह यहां पर नहीं होगी, उनको उनके देश में वापस भेजा जाएगा। विदेश मंत्रालय उसके लिए बातचीत कर रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी डिटेंशन सेंटर क्यों नहीं, स्थान क्यों नहीं तय कर पाते, जगह क्यों नहीं तय कर पाते, ये उनसे मेरा आज भी सवाल है और उनसे पहले भी जितने सवाल पूछे गए आज तक कभी उस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या जागेंगे और जवाब देंगे? दिल्ली सरकार के मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, इनको घोटालों से बाहर आने की आदत पड़ेगी तब कुछ कर पाएंगे। शराब नीति को लेकर आज तक जवाब नहीं दे पाए, शराफत तो छोड़ ही दी, झूठे आरोप लगाकर भागने का काम करते हैं, कीचड़ उछालकर भागने का काम करते हैं। सत्य तो कागज बोलते हैं, क्या इस मीटिंग को आज भी ये फिर कहेंगे? मैं फिर बार बार ये कागज दिखा रहा हूं। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री इस पर जवाब देंगे? अरविंद केजरीवाल जी, जवाब तो आपको देना होगा, चाहे वो सत्येंद्र जैन जी का घोटाला हो या आपका शराब का घोटाला हो। आप ये कहकर नहीं बच सकते कि अरविंद केजरीवाल जी के पास कोई विभाग नहीं लेकिन मुख्यमंत्री है। ये भी अपने आप में देश में एक ऐसा उदाहरण है, विभाग कोई नहीं लेकिन मुख्यमंत्री, जिम्मेदारी कोई नहीं लेकिन 8 साल से मुख्यमंत्री। कहते थे मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, बच्चों की कसम खाता हूं, लेकिन राजनीति में आए, मुख्यमंत्री है लेकिन जवाब देने के लिए राजी नहीं। तो जवाब दे कौन दिल्ली सरकार में, हमारा सवाल ये। रोहिंग्या घुसपैठियों को अरविंद केजरीवाल जी की शह पर उनके विधायक समान बांटते हैं। मैं बड़ा स्पष्ट कर देता हूं एक बात, गृह मंत्रालय ने बड़ा स्पष्ट करके कहा है कि रोहिंग्या घुसपैठियों को जो पहले की स्थिति थी वैसे ही उनको ना यहाँ का नागरिक माना जाएगा, उनको वापस भेजा जाएगा। विदेश मंत्रालय के साथ बातचीत करके लगातार काम जारी है। और एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं, सदन में भी कहा, बाहर भी कहा है, और जो गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा, आखिरी स्टेटमेंट वही है। क्या अरविंद केजरीवाल जी हिम्मत है? अरविंद केजरीवाल जी तो आकर बताइए, आज तक रोहिंग्या घुसपैठियों को क्या शेल्टर मिलता था, कैसे रहते थे, किन इलाकों में रहते थे? गृह मंत्रालय ने बार बार कहा वही दो स्थानों पर उनको डिटेंशन करनी है, वहीं पर उनको रखना है, उसे बाहर नहीं करना है, उनकी घुसपैठियों को वहीं पर रखने की जांच वहीं तक की थी। क्यों अरविंद केजरीवाल जी इतने दयालु हुए कि जो टेंट में रहते हैं उनको फ्लैट देने का काम अरविंद केजरीवाल जी रोहिंग्या घुसपैठियों को करने की बात कर रहे हैं, लिख के दे रहे हैं उनके अधिकार। तो ये कहां किसने लिख के दिया था कि उनको फ्लैट देना? अगर वो तंबू में पहले रहते थे तो क्या उनको फ्लैट देने का काम किया जा रहा है? अरविंद केजरीवाल जी इतने दयालु रोहिंग्या घुसपैठियों पर क्यों, क्या जवाब देंगे?